मामला ये है कि जो भी राजस्थान के अंदर जो भी सरकारें बनती है तो भारत के संविधान की शपथ ली जाती है, और भारतीय संविधान की शपथ लेकर वो सभी एक मांग करते हैं कि हम कानून की पालना करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। परंतु जब कानून के अनुसार कार्रवाई या नहीं होती तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। और सत्यमेव जयते। मामला ये है कि जो भी राजस्थान के अंदर जो भी सरकारें बनती है तो भारत के संविधान की शपथ ली जाती है, और भारतीय संविधान की शपथ लेकर वो सभी एक मांग करते हैं कि हम कानून की पालना करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। परंतु जब कानून के अनुसार कार्रवाई या नहीं होती तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, और सत्यमेव जयते करवाने के लिए भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो जो मामला पूरे राजस्थान के अंदर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक और राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया जारी की गई है उसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामला जो है 29 अगस्त 2024 को अनिल उपमंजी की अदालत में पेश हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता के रूप में मैं खुद, उसके साथ में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हमारे राजेंद्र कुमार इंडाणी जी, इनकी याचिका पर जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जो अतिरिक्त अधिवक्ताओं का पैनल रीपैनल मांगा गया, जिसमें मन मर्जी से राजनीतिक नियुक्तियां करने की जो मंशा थी उस पर हाईकोर्ट ने पूरे राजस्थान के अंदर रोक लगा दी है। यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार सहित सारे विशिष्ट शासन सचिव, जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं, और सरकार से 6 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जवाब के लिए उन्हें मौका दिया गया है, और जवाब के बाद में पूरे मामले के अंदर विस्तृत सुनवाई होगी। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि न्याय की जीत हुई है, और जिस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियाँ करने की जो मंशा थी उस पर अभी विराम लग गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यह मामला विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने पूरी जोर शोर से उठाया था, उसके बाद में विधि मंत्री के पुत्र को इस्तीफा देना पड़ा अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से। उसके बाद में दूसरी याचिका अजमेर के एडवोकेट सुनील समदरिया जी, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे हैं मनोज मिश्रा जी के बेटे पद्मेश मिश्रा, उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी, जिसमें भी नोटिस जारी हो चुके हैं। एक याचिका जोधपुर के अंदर लगी है, जिनमें जो नियुक्तियां इन्होंने जो न्याय प्रक्रिया संहिता के तहत होनी चाहिए थी उसकी जगह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नियुक्तियां कर दी, वो मामला भी जोधपुर की खंडपीठ के अंदर विचाराधीन है। कुल मिला के मामला लीगल है, और पूरे राजस्थान के अंदर ये जो आदेश है वो न्यायपालिका की जीत है, और अभी पूरी सुनवाई होना बाकी है। न्यायालय का निर्णय जो है वो 6 महीने बाद, 6 हफ्ता बाद में सरकार का जो जवाब आएगा उस पर निर्भर करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस भारत के संविधान की, भारतीय जो नया कानून जो मोदी जी ने लागू किया है, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता, वो राजस्थान में लागू नहीं हो रहा, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं और कोर्ट में दरखास्त लगाइए, देखते हैं उसका परिणाम अतिशीघ्र आएगा। और मैं कहूँगा न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत।